नमस्कार दोस्तों, मैं राम प्रकाश और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल प्लम्बर टेक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है नल को कैसे ठीक करें। यह जो नल देख रहे हैं आप, यह एक बिपकॉप है। आज हम देखेंगे कि इस तरह के नल को रिपेयर करने के लिए हमें क्या क्या टूल्स की आवश्यकता होती है। यह पेचकस है और यह तोता प्लास और यह स्पेंडल जो भी 2 नंबर का है, इसे फेसी बोलते हैं और ये इस तरह के पेपर में पैक आता है। तो आइए देखते हैं, हम इस सबसे पहले इसमें पेचकस की सहायता से इस नल का पेच खोलेंगे। अब मैं इस पेच को हाथ से खोलता हूं और इसमें हल्का सा नीचे से प्लास की सहायता से मैं इसमें चोट मारूंगा, जिससे कि टॉप ऊपर का निकल जाए और इसे और इस फेस को तोता प्लास की सहायता से मैंने खोल दिया है। अब मैं इसे देखिए दोस्तों, ये बड़ी आसानी से खुल गया है। और अंदर से कुछ इस तरह की ये टोंटी होती है। और ये फेस है जो कि 2 नंबर का है, इस पर मैंने धागा पहले ही लगा लिया है। अब मैं इसको टाइट कर रहा हूँ, हाथ से तो कर दिया, अब तोता प्लास की सहायता से भी इसको मैं अच्छे से टाइट करता हूँ, जिससे ये खुले ना। और इसके ऊपर ये एक टिप और देख रहे हैं, ये सील होती है फेस की, वाटर सील। इससे कभी कभी यहां से देखा हो दोस्तों पानी निकलता है, तो इसे हल्का सा टाइट कर देंगे तो पानी नहीं निकलेगा। और अब इसमें जो इसका मुट्ठा है, इसमें फिट करता हूं। इस मुट्ठे को इस पर रखकर और हम किसी भी चीज से इसमें थोड़ा सा ठोक देंगे, जैसे कि मैंने इसे ठोक दिया है। और ठोकने के बाद इस पर मैं नया पेच कस देता हूं। इस पेज को हम पेज को सही सहायता से कसते हैं। हाँ दोस्तों, मैं हमेशा की तरह आपसे 2 बात कर लेता हूँ। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब तो कर दिया होगा, नोटिफिकेशन के लिए घंटी का बटन जरूर दबाएं। और ये आपको मेरा वीडियो कैसा लगा ये कमेंट करके जरूर बताएं दोस्तों। बहुत ही आसानी से, और देखिए ये नल ठीक हो चुका है पूरी तरह से। अब इसे चालू करते हैं और बहुत ही आराम से ये नल बंद भी हो जाता है। धन्यवाद दोस्तों।